मेरा क्वेश्चन कंसंट्रेशन पावर को लेके है, या दूसरी तरह से बोल सकते हैं अवेयरनेस को लेके। जैसे किसी भी काम पे जो ध्यान लगाने की कैपेबिलिटी होती है वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। मुझे पूछना था क्या कोई इसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है, या सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि किसी की प्रैक्टिस थोड़ी कम है और किसी की ज़्यादा। कई ऐसे एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प करती है कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो जो मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है, कि मैं सोने से पहले या सुबह उठ के कुछ देर 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैं बिल्कुल शांत माहौल में और मैं साउंड सुनने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आपको 5 से ज़्यादा साउंड सुनने लग जाए, और 5 का मतलब हुआ कैसा नहीं कि आपके घर में टीवी और मिक्सी और सब चल रहा है तो आप कहे कि अरे भाई 5 साउंड सुनाई दे दिए, नहीं, जब शांति हो, तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को हेल्प करती है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए। तो आप ऐसे कॉन्सेंट्रेशन पार्क के एक्सरसाइजेज होती कर सकते हैं, और जो मैं करती हूँ मैंने आपको बताया, मैं रोज़ करती हूँ, अभी तक मैं 3 से आगे बढ़ी नहीं हूँ, लेकिन आई होप जल्दी 5 आवाज़ों से ज़्यादा सुनाई देने लग जाए। बचपन से जो आपने किया अभी तक वो तो मैटर करता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बचपन से ही सिर्फ कंप्यूटर पर ही अपना टाइम पास कर रहे हो या मोबाइल पे, जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो पैसिव वे में तो अच्छी होगी, यानी कि अगर कोई कॉन्टेंट है उसको आप कंज्यूम कर रहे हो तब तो आपका माइंड वहां पर लग जाएगा, लेकिन जब खुद ध्यान लगाने की बारी आएगी तो आप नहीं लगा पाओगे, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे। और वही आपका क्वेश्चन है कि जो अपनी एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन पावर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि आप जब चाहे जहां चाहे जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए अपना ध्यान लगा सके और जब चाहे वहां से ध्यान हटा सके। इसी को कहेंगे ना कि एक्चुअल में आपका जो ध्यान है वो आपके कंट्रोल में है। नहीं तो इतना कुछ है इस दुनिया में, वो तो सब खींचने के लिए तैयार बैठे हैं आपके ध्यान को, आपकी अटेंशन को। अगर फाइनेंशियली बात करी जाए तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो आपकी अटेंशन की है। जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंशन। अगर आपकी अटेंशन आपके हाथ से निकल जाती है और उनके हाथ में चली जाती है तो वो हो जाएगा जो वो चाहते हैं, यानी उनको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको नुकसान होता है हो जाए। तो अब सवाल उठता है उसको कैसे बढ़ाया जाए। चेस बहुत अच्छा तरीका है उसको बढ़ाने का। स्पोर्ट्स से आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है। जैसे मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, तो बैडमिंटन में सारा ध्यान कहां पर होता है? शटल के ऊपर, और कोई थॉट माइंड में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आया तो शटल से आपका ध्यान हट गया और आप हार जाओगे। तो स्पोर्ट्स इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। उसके अलावा जैसे इन्होंने बताया लिसनिंग, अगेन वेरी पावरफुल, बहुत तरह की साउंड्स हैं, बहुत तरह की वाइब्रेशंस हैं इस यूनिवर्स में, बट हमारा ध्यान नहीं है उसकी तरफ, कुछ ग्रॉस है कुछ सटल है। तो जैसे जैसे हम सटल जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी वाइब्रेशंस हमारी पकड़ में आती है जो नॉर्मली लोगों की पकड़ में नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान दो जगह पे होता है, या तो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वहां पे होता है, या फिर अंदर जो थॉट चल रहे होते हैं वहां पे होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। तो उन वाइब्रेशंस को सुनने के लिए हमको कानों की भी जरूरत नहीं है। इवन विदाउट योर ईयर्स अपने कान बंद करके भी आप सुन सकते हो उन साउंड्स को। तो शुरुआत वहां से करो, धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो ध्यान है वो आपकी पकड़ में आने लग जाएगा।